चैनल के कुछ व्यूअर्स ने स्थिर धन के ऊपर वीडियो बनाने की डिमांड की थी। वो जानना चाहते थे कि स्थिर धन क्या है, क्या परिभाषा है स्थिर धन की, तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात, भाई डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसा कि मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं किसी भी मुद्दे के ऊपर कानूनी पहलू और व्यवहारिक पहलू दोनों को ही बताता हूं, तो स्त्री धन का व्यवहारिक पहलू तो यह है कि किसी स्त्री के पास अगर पति है साथ में, बच्चे हैं साथ में, परिवार है उसका साथ में, तो उससे अधिक धनवान स्त्री इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हमारे समाज में पुरुष कमाता ही स्त्री के लिए है, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो या प्रेम का हो। जिस पुरुष के जीवन में स्त्री नहीं होती, मतलब कि स्त्री का मतलब यहाँ सिर्फ पत्नी से नहीं है, माँ से है, बिटिया से है, बहन से है, प्रेमिका से है, पत्नी से भी है, तो जिस पुरुष के जीवन में स्त्री नहीं होती है तो उसका कमाने का जो मोह है वो भी जाता रहता है, मतलब कि वो कमाने की ज़्यादा उहापोह में नहीं रहता। तो इन सब बातों का कहने का मतलब यह है कि पूरे परिवार के पुरुष जो भी कमाते हैं वो सभी स्त्री धनी ही है। बेटा जो कमाए, पति जो कमाए, ससुर जो कमाए, पिता जो कमाए, भाई जो कमाए, वो सब स्त्री धनी है। अब बात करते हैं स्त्री धन के कानूनी पहलू पर। स्त्री धन नाम का कोई शब्द भी है कानूनी तौर पर, यह हमें तब पहली बार पता चलता है जब हमारा विवाह होता है और जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है और फिर हमारी अलगाव की प्रक्रिया शुरू होती है, तब यह स्त्री धन नाम का जो शब्द है, कानूनी शब्द जो है, पहली बार हमारे ध्यान में या हमारे कानों में सुनाई पड़ता है। आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं क्योंकि कई लड़के और कई लड़कियां शादी ही पैसे के लिए कर रहे हैं और शादी होने के बाद फिर वो अलगाव की प्रक्रिया में व्यस्त हो जाते क्योंकि उन्होंने विवाह किया ही धन के लिए था। इसलिए मुझे लगता है कि हर युवा को और हर युवती को स्त्री धन क्या होता है, उसका कानूनी पहलू क्या होता है, यह पता होना चाहिए। हिंदू नारी की संपत्ति को दो भागों में बांटा गया है, एक तो वो जिस पर उसका पूर्ण मालिकाना हक होता है और एक वो जिस पर उसका सीमित मालिकाना हक होता है। तो जो पूर्ण मालिकाना हक वाली जो संपत्ति है उसको हम स्त्री धन कहते हैं और जो सीमित मालिकाना हक वाली संपत्ति है उसे हम नारी संपदा कहते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ स्त्री धन के बारे में बात करेंगे, अगर व्यूअर्स जानना चाहेंगे तो मैं अगला वीडियो नारी संपदा के ऊपर लेकर के आऊंगा। एक बात मैं यह वीडियो में पहले ही स्पष्ट कर दूं कि जो दहेज और शादी का जो खर्च होता है वो स्त्री धन नहीं होता। अब दहेज स्त्री धन क्यों नहीं होता यह मैं बता दूं आपको, यह ठीक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी गैर लाइसेंसी बंदूक से अपनी आपकी सुरक्षा करें। तो अपनी सुरक्षा करना तो आपका हक बनता है, लेकिन गैर लाइसेंसी रखना घर के अंदर आपका जो है वो जुर्म है, अपराध है। तो ऐसे ही दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही जुर्म है। दहेज आप ना तो ले सकते हैं ना आप दहेज दे सकते हैं, ठीक उसी तरह की रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध है। अगर आप यह स्वीकार करते हैं कि दहेज लिया गया है या दिया गया है, यानी कि फिर आप यह स्वीकार करते हैं कि जुर्म हुआ है। बंबई हाई कोर्ट ने अशोक लक्ष्मण काले बनाम उज्ज्वला अशोक काले का जो वाद था उसमें यह निर्धारित किया कि शादी में होने वाला खर्च और जो दहेज है वो स्त्री धन की कोटि में नहीं आएगा। तो अब बात कर लेते हैं स्त्री धन की कैटेगरी में क्या क्या आएगा। आप डायरी पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जिससे कि आपके मन में कोई शंका ना हो कि स्त्री धन क्या होता है और क्या नहीं होता। आप लिख लीजिए, मैं एक एक करके बताता जाऊंगा, मतलब क्या क्या स्त्री धन के दायरे में आता है, मतलब कौन कौन से स्रोत से प्राप्त जो उपहार है और जो पैसा है वो स्त्री धन कहलाएगा। तो आप उसे लिख लीजिएगा। सबसे पहला, वैवाहिक अग्नि के सम्मुख दिए गए उपहार, मतलब विवाह के समय जो अग्नि के हम सात फेरे लेते हैं उस समय जो दिए गए उपहार होते हैं वो सब स्त्री धन कहलाता है। अब दूसरा, जो स्त्री पति गृह गमन करती है, मतलब पति के घर जाती है, मतलब अपने घर से जब वो विदा होती है, तो उस समय दिए गए जो भी उपहार है वो सब स्त्री धन कहलाएंगे। तीसरा, सास ससुर स्नेह बस जो भी देते हैं अपनी बहू को, तो वह सब स्त्री धन कहलाता है। मतलब आशीर्वाद देते हैं जब सास ससुर के वो पैर छूती है, भोजन बनाती है अपने, या मतलब जो संस्कार होते हैं, तो उस समय ड्यूरेशन में जो भी सास ससुर उसको स्नेह बस देंगे वो सब स्त्री धन कहलाएगा। पति भी कोई अगर उपहार देता है, चाहे वो किसी के पैसों से दे रहा हो, अपने पैसों से दे रहा हो, चाहे माता पिता के पैसों से दे रहा हो, अगर वो उपहार दे रहा है अपनी पत्नी को, तो वो भी स्त्री धन ही कहलाएगा। अगला नंबर आता है, नतमस्तक होते समय ज्येष्ठ लोगों के द्वारा, घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो चरण स्पर्श करते समय जो उपहार दिया जाता है, स्नेह बस जो भी दिया जाता है, वो भी स्त्री धन कहलाता है। हमारे यहाँ परंपरा हैं विवाह त्योहार जो होते हैं उसमें बड़े बुजुर्ग आते हैं, घर के बड़े आते हैं, तो उस समय जो वर वधू दोनों बजा करके पैर छूते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो उस समय जो भी ज्येष्ठ उसे देंगे, उस स्त्री को देंगे, वो सब स्त्री धन कहलाएगा। विवाह के बाद पति के परिवार से जो भी उपहार स्वरूप प्राप्त होता है वो सब स्त्री धन कहलाएगा। मतलब पति के परिवार की तरफ से, जैसे पति की बहन है, पति की कोई रिश्तेदार है, कोई भी कुछ भी है, अगर पति के परिवार की तरफ से जो भी उसे उपहार देती है तो वह उसको स्त्री धन ही कहलाएगा। दूसरी वधू लाने पर जो पहली वधू को जो उपहार दिए जाते हैं, मतलब
जो घर में छोटे भाई होते हैं उनकी जैसे शादी हुई, तो उससे बड़े भाई हैं जो उनकी जो पत्नियां हैं तो वो भाभी कहलाएंगी उसकी। तो जब वो नई वधू घर के अंदर आएगी तो उस समय जो संस्कार होते हैं उसमें जो लेन देन किया जाता है, मतलब उपहार दिया जाता है अपनी घर की बड़ी बहू को, तो वह भी स्त्री धनी कहलाएगा। सिर्फ पति के परिवार से ही नहीं, अपने माता पिता के परिवार की तरफ से भी अगर उसके संबंधी जो भी उपहार देते हैं उसको, तो वह भी स्त्री धन की कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। भरण पोषण के लिए दिया गया जो धन होता है और उससे उसकी बचत से की गई अगर कोई खरीदी गई संपत्ति है, तो वह भी स्त्री धन की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि हमारे घरों में अक्सर होता है कि पति जो घर का जो खर्च होते हैं उसके लिए वो धन जो है वो पत्नी को दे देता है, पत्नी उसमें से कोई चीज खर्च करती है, कोई चीज बचत कर लेती है, तो वो स्त्री धन की कैटेगरी में ही आएगा। चाहे भले ही वो पति अपने पैसे देता है लेकिन वह आएगा स्त्री धन की कैटेगरी में ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मोटे मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि विवाह के बाद जो भी आभूषण या उपहार स्त्री को अपने परिवार की तरफ से या अपनी ससुराल की तरफ से प्राप्त होते हैं तो वह सब स्त्री धन ही कहलाता है। तो मेरे ख्याल से अब आपके मन के संशय मिट गए होंगे कि स्त्री धन क्या होता है और क्या नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपके कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनके जवाब देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जाना चाहूंगा, जय हिंद।